हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, एंजल की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मेरा मन है रसमलाई खाने का, जो कि मेरे पास ना रबड़ी है ना मावा है, फिर भी मैं रसमलाई बनाऊंगी। तो देखिए, आपने देखा मैंने 5 से 7 ब्रेड ली है और ये है मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क मिस्ट की विप क्रीम है, जिसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था कि जैसे ट्यूब के जैसा निकले ये, और मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसे आ रहा है। तो देखिए, ब्रेड के 2-2 पीसेस लेके हम ग्लास के नुकीली साइड से कट करेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप कुकी कटर भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये साइड हमने कट कर दिए और ये जो ब्रेड कॉर्नर्स है ना, ये भी वेस्ट नहीं जाएंगे। आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं या इनको कटिंग करके आप मसाला ब्रेड भी बना सकते हैं। तो चलिए, ये सब पीसेस कट हो गए। तो आगे रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तो 2 स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया, तो देखिए करीबन 2 से 3 स्पून मैंने विप क्रीम ली है। अब ये ड्राई है तो मिक्स नहीं होगा, तो इसके लिए हमें सिर्फ 1 से 1.5 स्पून दूध चाहिए और दूध ठंडा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, 1 से 1.5 स्पून हम दूध डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास दूध की मलाई है तो आप उसमें भी चीनी डाल के ब्रेड में लगा सकते हैं, या फिर बिस्किट्स की मलाई हो और या फिर कंडेंस्ड मिल्क हो तो आप वो भी स्टफ कर सकते हैं। तो देखिए, ये छोटा लग रहा है मुझे टिन, तो बड़ा लेते हैं, तो अपने हिसाब से रखते जाएंगे हम। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है, हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत मुश्किल मिलती है, तो हमें घर में ही जुगाड़ करना पड़ता है। तो देखिए, 150 ग्राम मैंने लिया है दूध, यानी 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा है। अब इसमें डालती हूँ मैं 4 से 6 चम्मच चीनी। अगर खाने वाला चम्मच पकड़ेंगे तो 6 चम्मच पकड़ के चलिए। और ऐसे आपने देखा मैंने करछी भर के डाला है, तो उसी बचे हुए दूध में हम डालेंगे 1 स्पून कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं, हालांकि रसमलाई में तो केसर वाला ही लेते हैं। तो बस, दूध हमारा उबला हुआ है तो इसीलिए उबल भी गया है और उबला हुआ भी है, तो बस हम कस्टर्ड डाल के जल्दी से विस्टल से मिक्स करेंगे, जैसे कि लम्स ना पड़े। और ये जो मैंने आपको क्रीम दिखाई वो भी 1 स्पून बच गई है, तो वो भी हम इसमें ही ऐड कर देते हैं। और ये है बादाम पाउडर, जो कि MTR का बहुत ही अच्छा रहता है, हेल्थी रहता है। इसमें इलायची और बादाम, काजू, पिस्ते सब रहते हैं। आइसक्रीम और कुल्फ़ी बनाने में बहुत ही बढ़िया रहता है, तो मैं जब भी डीमार्ट जाती हूँ तो मैं ये ज़रूर लेके आती हूँ। तो चलिए, अब कुछ बादाम और पिस्ते हम चॉप कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसे पतली पतली कतरंग चाहिए। और ये ठंडा हो चुका है तो हम ब्रेड के ऊपर डाल देते हैं। तो है ना एकदम इजीली रस मलाई बनाना। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाए तो आप बस झट से दूध की मलाई को अच्छे से फेंट ले और ब्रेड में लगा के बस कस्टर्ड बना के, और अब देखिए कितनी शानदार रसमलाई लग रही है। हमारी मार्केट से भी बढ़िया रसमलाई बन के रेडी हो चुकी है, जो कि बिना खर्चे की रसमलाई है और ना ही गैस का झंझट, ना ही ज़्यादा वेट करने का झंझट। तो देखिए, मैंने बादाम पिस्ते डाल दिए, चेरीज डाल दी चॉप करके, और टूटी फूटी डाल दी। टूटी फूटी भी मैंने घर पे ही बनाई हुई है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, अब इसमें डालते हैं केसर के धागे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सिल्वर कलर का वर्क है ना, तो वो लगा दीजिए, तो आपकी रस मलाई में और भी 4 चांद लग जाएंगे। मेरे पास नहीं है तो इसीलिए मैं अभी ऐसे ही काम चला लेती हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं सिल्वर वर्क लगा दूँगी। तो रेसिपी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है 20 मिनट के लिए, चिल्ड होने के बाद हम इसको खाएंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। बाय, टेक केयर।